जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए JSSC CGL कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो शिवांगन पब्लिकेशन बुक से है। तो चलिए इसको देखते हैं पूरा कि इसमें कौन कौन सा सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। पहला है बाहरी हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। क्या होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और जितना आप ये तीनों दे सकते हैं ये स्टोरेज डिवाइस है। चलिए आगे, लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय डेस्क के। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन है माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक। तो जान लीजिए टच पैड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये एक पॉइंटिंग स्टिक है, ठीक है, जो उंगली के संपर्क का पता लगा सकता है। माउस एक पेरिफेरल डिवाइस है जो एक केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ था। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रिंटर में जो है डैश प्रिंटर वास्तव में कागज़ पर स्ट्राइक के बिना कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, इम्पैक्ट और गैर इम्पैक्ट। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गैर इम्पैक्ट। गैर इम्पैक्ट इम्पैक्ट एक या एक प्रिंटर का प्रकार है और यह कागज़ पर बिना स्ट्राइक किए कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बना सकता है। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, क्या रहता है? कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, क्या रहता है? तो ऑप्शन है डाटा बाइट्स, डाटा प्रोग्राम, डाटा रजिस्टर्स या डाटा बिट्स। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, डाटा जो है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, बिट्स रहता है क्योंकि बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 को ही समझा जाता है, ठीक है, और ये ऑन और ऑफ समझा जाता है, इसको याद रखिएगा। आइए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं ऑप्शन डी, इंस्टॉलेशन यानी इंस्टॉल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो देखिए ऑप्शन है डेबियन, फेडोरा, उबंटू, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी, डेबियन भी, फेडोरा भी, उबंटू भी, ये जो है आपका ये लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है स्टोरेज मेमोरी लॉजिक प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम सूचनाओं का संकलन होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कंप्यूटर भाषा C++ में प्रोग्राम द्वारा लिखा जाता है। एक क्यू के अंत में जहां पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है टॉप, शियर, बॉटम, फ्रंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शियर, या इसको क्यू भी कह सकते हैं। यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पहले एलिमेंट को एक छोर से इंसर्ट किया जाता है और इसे ही रियर या शियर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से 1 MB का सही मूल्य क्या है? तो देखिए 1 MB का सही मूल्य इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन है प्रत्येक कंप्यूटर में रैम की मात्रा 1 अरब बाइट्स, 1000 बाइट्स या 1024 KB। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 KB। बॉड डैश की इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? तरंग देर, आवृत्ति, संग्रहण क्षमता, डाटा स्थानांतरण दर। तो देखिए बॉड जो है यह एक डिजिटल संचार चैनल पर जानकारी के लिए संचरण की गति की एक इकाई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, डाटा स्थानांतरण दर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वैन का पूरा रूप क्या है?
वैन का पूरा रूप क्या है? तो देखिए, वैन जो है इसका पूरा रूप है वाइड एरिया नेटवर्क, और यह एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत बड़े भूभाग पर कार्य करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम डैश दबाते हैं, क्या दबाते हैं? तो इसमें हम लोग दबाते हैं, हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी यानी कंट्रोल प्लस टैब। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस टी को दबाते हैं। जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है, इस प्रकार की ईमेल को वैधानिक ईमेल या मैसेज नहीं माना जाता है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन है ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन ए। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए डैश बिट्स और होस्ट आईडी के लिए बिट्स उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2408। इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी आइकन। अगला निम्नलिखित 12 में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फॉर्मूला बार। चलिए, एमएस वर्ड उदाहरण है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मर्जिंग। तो दोस्तों, ये था आज का 20 ऐसा प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।